বছর আপনারা কাকে পঞ্চায়েতে জেতাতে চান বা কাকে প্রার্থী করতে চান এই সিদ্ধান্তটা আর তৃণমূল কংগ্রেসের বন্ধ ঘরে হবে না বদ্ধ ঘরে হবে না এই সিদ্ধান্তটা আজ থেকে আমি জনতা জনার্দনের কাছে ছেড়ে দিলাম যে আমার পঞ্চায়েতে আমি কাকে প্রার্থী করতে চাই সেই অধিকার আমার থাকলো আগামী দিন সিদ্ধান্তটা আমি নেব আগে ভোটের সময় আমরা প্রচার করতে গিয়ে বলতাম সকাল সকাল ভোট দিন নিজের ভোট নিজে দিন এখন এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলছি নিজের প্রার্থী বেছে নিন এই অধিকার আপনাকে তৃণমূল কংগ্রেস দিয়েছে ভারতবর্ষের কোন রাজনৈতিক দল করে দেখাতে পারেনি সাত দিন ঘর বাড়ি পরিবার সংসার সব ছেড়ে আপনাদের মধ্যে तो उसका कारण हम पूछ सकते हैं कि क्या है इतना कौन सा दबाव है कि आप लड़कियों ने कंप्लेंट देने के बाद भी आप एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हो आप बता दो ये आप लोगों के माइक भी रखे ना इसमें तो इतनी आवाज है क्या ठीक है बोलो बोलो तो एक बिहार यार ये इसे और क्लोज कर दो नड़ा है आवाज कर दो इसकी और पीछे लगो ना पीछे ना पीछे नहीं जो कमेटी में हमारी लड़कियां रिपोर्ट के लिए आई थी और कमेटी के जितने भी मेंबर्स थे आज भूमिता ने खुद मीडिया में आके बोला है कि मेरे साइन नहीं मेरे से जबरदस्ती साइन कराए गए और मेरे हाथ में से रिपोर्ट छीन ली मुझसे रिपोर्ट मैंने रिपोर्ट पढ़ी भी नहीं तो जो कमेटी के मेंबर्स थे उनके आपस में सहमत नहीं थे तो रिपोर्ट सबमिट कैसे हुई कमेटी के मेंबर्स आपस में सहमत नहीं थे बबीता ने खुद आज आके बताया कि मुझसे जबरदस्ती साइन नहीं कर लिए गए और मेरे हाथ में से रिपोर्ट छीन ली पढ़ने भी नहीं थी कि आपके परिवार के लोग करें कि आपके परिवार के लोग हैं हाँ कि आपके परिवार के लोग हैं आप क्यों क्यों बढ़ाए हम रिपोर्ट तो परिवार के लोग हैं तो फिर कमेटी में उनको ऐड क्यों किया गया तो कमेटी में इतना आपस में वो सहमत नहीं थे तो रिपोर्ट सबमिट करने का भी कोई दुख नहीं बनता और जैसे की बोल रहे की उसी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस फैसला लेगी तो उस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस क्यों फैसला लेगी पुलिस पे तो हमने कम्प्लेन दे रखी है उस पर फैसला ले एफआईआर हो जल्दी से जल्दी बता दे दिल्ली पुलिस का उसमें बता दे हाँ जी और आप सबको बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारा केस धो लिया है हम बहुत शुक्रगुजार हैं हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उनके हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में सीआईडी चंद्र सिंह सर जो है हम लड़कियों का इतना सेंसिटिव मुद्दा उन्होंने अपने संज्ञान में लिया है दिल्ली पुलिस को नोटिस दिया है कि आप एफआईआर कीजिए क्यों नहीं एफआईआर की है उसके ऊपर हमें जवाब दीजिए और जितने भी हमारे पूरे देश से हमें समर्थन मिल रहा है काफी हिम्मत मिलती है इसे हम लड़कियों को खासकर हिम्मत मिल रही है कि जिस लड़ाई को हम सोच रहे थे कि अब हमारा कैरियर खत्म है हमारी लाइफ खत्म है तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसका हमेशा आभारी रहेंगे कि वो महिलाओं के लिए खासकर खिलाड़ी महिलाओं के लिए जो वो सब कर रहे हैं और अपने संज्ञान में मामला लिया है तो हमारे जो न्यायपालिका है उस पर हमारा विश्वास और बढ़ गया है और हम अध्यक्ष दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करते हैं और जो हमारे वकील सर हैं जो हुड्डा सर भी हैं आज कपिल सिब्बल सर ने भी ज्वाइन किया है तो बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग लड़कियों को इंसाफ दिलाने के लिए ये सिर्फ एक खिलाड़ी लड़की की बात नहीं है यहाँ पे महिलाओं की बात है और खेल में अगर राजनीति होती रहेगी कैसे शोषण होता रहेगा तो जो लोग सपोर्ट में आ रहे हैं बहुत धन्यवाद आप सबका और आप ऐसे ही सहयोग और समर्थन करते रहिए हम महिलाओं की ऐसे ही हौसला अफजाई करते रहिए तो देश बिल्कुल तरक्की करेगा धन्यवाद आप आपके अगर कोई सवाल है तो आप बता दीजिए किन का मैसेज आया है सर्विसेज का हमने सर्विसेज से छुट्टी ले रखी अपनी और प्रोटेस्ट अधिकार है सबका अब कौन सा खेल नहीं आए कौन से टूर्नामेंट में पार्टी वो हमारी मर्जी है अगर हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हम अपनी नौकरी कर लेंगे नौकरी से छुट्टी लेना सबका अधिकार है देखिए यहाँ पे जो भी आता है हमारे समर्थन के लिए आता है ना कि अपनी वोट मांगने के लिए आता है
तो यहाँ पे जो भी आएगा, चाहे कोई भी आए, सबका वेलकम है, बीजेपी के लिए भी वेलकम है। ये नहीं जी, जो लड़कियों का फायदा उठ रहा है वो आप लोग दिखा दीजिए, वो चुनाव से ज्यादा बड़ा है। चुनाव तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, तो हम चुनाव के लिए नहीं कर रहे, राजनीति करने के लिए यहाँ एमएलए एमपी बनने के लिए नहीं आए हम। हमें शौक नहीं है यहाँ फुटपाथ पे सोने का। कौन से पहलवान नहीं है हमारे साथ? सभी पहलवान हमारे साथ में हैं, और हम आगे इसलिए नहीं लेकर आना चाह रहे क्योंकि ट्रेनिंग एशियन गेम्स और ओलंपिक क्वालिफाई अभी है 2 महीने बाद, तो हम सभी पहलवानों को पीछे इसलिए रख रहे हैं क्योंकि तैयारियों में मैंने 3 कॉमनवेल्थ गेम्स खेले हैं, 2 एशियन गेम्स खेले हैं, ओलंपिक खेला है, तो बहुत सारे खिलाड़ी जो हमारे यहाँ बैठे थे वो नए खिलाड़ी हैं जिन्होंने कोई गेम्स आज तक नहीं खेला है, तो उनको हमने इसलिए पीछे रखा है, ये नहीं कि वो हमारे साथ नहीं है। अगर हमें जरूरत पड़ी तो जो लोग गए हैं घर पे उनके पैसे लेके गए हैं, दबाव बनाने के लिए गए हैं, अगर जरूरत पड़ी, अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो हम उनके नाम मीडिया के आगे भी लेंगे। देखिए कोर्ट पे हमें भी विश्वास है, हम ये नहीं, ब्रजभूषण तो पहले ये भी बोल रहे हैं कि कमेटी फैसला करेगी, आज न्यूज में आ रही है कि व्यवस्था पे वो आप भरोसा नहीं कर रहे। कौन सी व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं? सारी व्यवस्था तो आपने खराब कर रखी है। नंदनी नगर में आप चैंपियनशिप करवा रहे हैं जहाँ पे उनका गढ़ है, और जो सस्पेंड कर रखे जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे विनोद तोमर, वो लड़कियों को मेडल पहना रहे हैं वहाँ पे, ये कौन सी व्यवस्था की बात कर रहे हैं? देखिए नया कानून से बड़ा मुझे नहीं लगता कोई है, चाहे वो दिल्ली पुलिस है चाहे कोई भी है, तो कानून ने जो आदेश और निर्देश दिए हैं उनका पालन सभी करते हैं। वो हम सभी जो हमारे जो कमेटी गठित करी है वो जो फैसला लेगी हम उसी पे चलेंगे, वो हमारा फैसला नहीं होगा, क्योंकि हमने एक बार अपना फैसला लेके देख लिया है, हमारे साथ जो राजनीति हुई है वो हम दोबारा नहीं चाहते। हमारी जो उसकी सजा, जो उस क्राइम, जो उन्होंने क्राइम किया उसकी सजा जो है वो उसको मिले, उसके बाद हम जाएंगे। सामने लगा दिया वही मैं आप मैम देखिए आप एक महिला है, आप खुद एक महिला है, आपके साथ में ऐसा कुछ होता है, किसी भी महिला के साथ होता है, कितना आसान होता है कि पब्लिक को ये बताना कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, महिलाओं के लिए इतना आसान ही होता है। और हमें गेम करना है आगे, लड़कियों ने कंप्लेंट दी है वो बहुत बड़ी बात है, हमें अगर सामने जाना होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है हमारे देश में कोई नहीं है, संविधान वाले देश में हम रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट हमें जो भी आदेश देंगे हर एक चीज पे हमें विश्वास है, उनके सामने जाने से हमें कतई परहेज नहीं है। लेकिन अभी वो बजरंग जो बता रहे हैं कि तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, डराने का प्रयास किया जा रहा है, ये बंद कर दीजिए।